आचार्य मुकेश भास्कर शास्त्री। आज हम लोग विद्यापति स्मारक समिति के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का यह प्रेमात्मक उत्सव जो इस साल का प्रथम वर्ष से ही शुरू हो जाता है। होली चूंकि प्रेम का प्रतीक माना जाता है, रंग ही प्रेमात्मा का प्रतीक है और पीला तो खासकर प्रेम का प्रतीक माना जाता है, भारत जोश का जो प्रतीक माना जाता है। मिलन होता है होली से पहले, होली का दहन है जो 7 तारीख को मनाया जाएगा, 8 तारीख को होली है। चूँकि 6 तारीख को रात्रि में भद्रा है इसलिए 7 तारीख को संध्या काल में जो है होलिका दहन है। होलिका दहन खासकर इसलिए मनाया जाता है कि इसमें सत्य की विजय होता है। इसमें जो जो भी लोग कुदृष्टि वाले हैं, जरा दृष्टि वाले हैं, कूटनीति वाले हैं, उनका जो है नाश होता है और सत्य के प्रति जो है लोगों में आस्था बढ़ता है, सत्य की जय होता है। खास करके जब प्रहलाद की रक्षा हेतु उस समय ब्रह्मा का दिया हुआ चादर प्रहलाद जी के शरीर पर चला जाता है और हिरण्याक्ष के बहन होलिका वहाँ दहन हो जाती है, उसी का बुराई को जो है समाप्त करने के लिए यह होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन जब भी करें आप संध्या काल में करें। और एक चीज़ विशेष ख्याल यह रखें, होलिका दहन में घर में जो बना हुआ नाना प्रकार के पकवान वगैरह होते हैं या हरा जौ हो, चना वगैरह हो, कच्चा हो, वो सबको पकाएं और प्रातःकाल भस्म जरूर लगाएं, क्योंकि भस्म लगाने से जो है वीरता का प्रतीक होता है। बहुत सारे आसुरी शक्तियाँ जो है छीन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सारे जो है रोग जनित जो ग्रह होते हैं वो समाप्त होते हैं, जन्म कुंडली में यदि समाप्त हो जाता है। और अगले दिन यानी 8 तारीख को जो है हमारे देश का प्रथम दिन से ही वर्ष लगता है यानी चैत्र पुष्पण से और होली जो है उसमें आरंभ होता है। होली प्रेम और भाईचारा का प्रतीक होता है, सब प्रेमात्मा का प्रतीक होता है। उसमें बहुत सारे वैर भाव जीतते हैं, सभी समुदाय के लोग हैं वो भुलाते हैं, सभी मिलजुल कर होली गले मिलते हैं। खास करके युवा वर्ग के लोग हैं उनको हम ये कहेंगे कि होली का यह उत्सव जो है प्रेम का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, वो जो वीरता का प्रतीक है, हमारे गांव का, हमारे राष्ट्र का, हमारे घर का, हमारे देश का, हमारे विश्व की रक्षा करें। और खास करके यह ध्यान रखें इसमें बड़े और बुजुर्ग परिवार को सम्मान करें, ऐसा कोई दंड कार्य नहीं करें जैसे समाज में जो है कुरीतियाँ फैले, उदंडता फैले, लोग जो है होली पर्व के बारे में तरह तरह के ये सब कहें, इस पर विशेष ध्यान रखें। और निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र, हमारे गाँव, हमारे देश, हमारे सभी के लिए यह उत्सव भाईचारा और प्रेम का प्रतीक है, पूज का प्रतीक है, इसे जरूर मनाना चाहिए और सभी वर्ग के लोग इसमें मनाते हैं। खास करके आज विद्यापति तत्वाधान में हम लोग मैथिली समाज से उपस्थित हुए हैं, लेकिन मेरा ये नहीं जो मैथिली समाज ही जहाँ तहाँ मेरा कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रम जाते हैं और यह जो है होली का पर्व मनाते हैं। यह हमारे शरीर में नाना प्रकार के जो दोष होते हैं, जो ईर्ष्या होते हैं, जो कुरीति होते हैं, वो सबको नाश करते हैं और एक नए सिरे से नए वर्ष का स्वागत करते हुए हम सभी को गले मिलाते हैं और रंग अबीर लगाते हैं और प्रेम का प्रतीक मनाते हैं। देखिए ये तो हमारे देश के लिए उत्तम बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो संस्कार है, हमारे जो सनातन है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले समय के जो भजन थे, जो गाने थे, जो वो सब ये लिखेगा भगवान की आराधना, उनकी स्तुति करना, ये प्रार्थना है, पूजा। हम लोग जो गहन बजान करते हैं सारे लोग करते हैं, वो प्रार्थना है, पूजा भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और डीजे वगैरह जितना है जो अश्लीलता अभी देख रहा है, जो हर क्षेत्र से अश्लीलता रहा है, इससे भले शरीर और नाम से डांस करे, नृत्य करे, लेकिन आत्मा विलक्ति है, रुचि है, प्राप्ति है। तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए परमात्मा की साधना करना पड़ेगा, यानी प्रभु को मिलने के लिए जो है आप आत्मा से, अंदर आत्मा से, जिसने पौराणिक चीज को, पौराणिक समय को लेते हैं, जैसे अभी धमाल ताल बजता है, उसमें राधा का, कृष्ण का तरह तरह राग में जो है भजन गाया जाता है, गीत गाया जाता है, उनकी स्तुति हम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आने वाला जो नया वर्ष आ रहा है उसमें हमारे देश में वर्षा हो, धन धान हो, सभी भाईचारा मिलकर रहे, किसी प्रकार का वैर विरोध न हो, किसी प्रकार का आतंकवादी का छाया न हो, किसी प्रकार की विडम्बना न हो, भूकंपवादी का खतरा न हो, ये सभी पूजा है। और नए वर्ष में चूंकि गेहूँ का जो है उस समय कटनी होता है, तो हम जो फल बनाते हैं, फसल जो उगाते हैं, फसल से पहला बना हुआ चीज जो है हम भगवान को श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं, जो हम जो हमारे जो उपज हुआ है वो आपकी कृपा करते हो, तुम कहेगा मेरा काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सारे काम हो रहा है। तो सभी उनको कर रहे थे, युवा वर्ग से खास करके ये ध्यान रखें कि अश्लीलता पर नहीं जाए, विषयी पर नहीं जाए और ये चीज़ें वगैरह है उससे बचें, पौराणिक जो कार्य है, पौराणिक जो कला है, जो संस्कृति है, जो गाने हैं, उसको करें, जिससे मन भी प्रफुल्लित हो, समाज भी प्रफुल्लित हो, गांव भी प्रफुल्लित हो और यह होली का उत्सव भी उत्तम। मेरा नाम आचार्य मुकेश भास्कर शास्त्री,
हम नामकुम से विद्यापति तत्वाधान में आज संगीत का कार्यक्रम, कई जगह हम संगीत के कार्यक्रम करते हैं, कथा वगैरह बातचीत वगैरह के सारे कार्य करते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा इनके म्यूजिक है, उस पर विस्तार पूर्वक सारी कथा सारे गाना वगैरह सब है, आप देख भी सकते हैं, लाइक भी कर